हेलो दोस्तों, मैं आज घूमने के लिए निकला हूँ मेरे फार्म हाउस के करीब। और एक जगह में ये नज़ारा देखिए आप लोग, बहुत ही सुंदर है, ग्रीन हरा भरा। ये त्रिपुरा एक हिली स्टेट है, यहाँ पे हिल्स ज़्यादा है, प्लेन एरिया भी है लेकिन हिल्स एरिया ज़्यादा है। तो हिल एरिया में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं, यहाँ के आदिवासी जनजाति लोग। यह है उन लोगों का घर, रहने का घर। ये लोग ज़्यादातर जूम करते हैं, जूम कल्टीवेशन एक टीले में करते हैं, फिर दूसरे टीले में, ऐसे हर साल नए नए टीले में वो लोग जूम की खेती करते हैं। इस जूम की खेती में धान के अलावा बहुत सारे सब्जियां भी उगाया जाता है। तो ये सब बेचकर वो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। त्रिपुरा में बैम्बू भी बहुत है, चारों तरफ बैम्बू ही बैम्बू, लेकिन पहले जैसा नहीं रहे, बैम्बू थोड़ा कम हो गए हैं, फिर भी बहुत है, कम है लेकिन फिर भी बहुत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा। यह मेरा दोस्त, हम लोग यहाँ में बाइक से आए हैं। बैम्बू सूट लाने जा रहा है मेरा और एक दोस्त। बैम्बू सूट का खाना खाएंगे। तो मैं भी चलता हूँ इन लोगों के पीछे पीछे। आज छुट्टी का दिन है, ईद का दिन है आज, तो ऑफिस में भी कोई काम नहीं है, ऑफिस भी बंद है, छुट्टी है, इसलिए मैं घूमने निकला हूँ आसपास के एरिया में। और इस बहाने दोस्तों के साथ भी मुलाकात हो गया। और मैंने सोचा थोड़ा बहुत त्रिपुरा के विलेज के एरिया का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा दूं। तो यह है त्रिपुरा के गांव की छवि। हिली एरिया में गांव थोड़ा अलग होता है और प्लेन एरिया में गांव थोड़ा अलग होता है। मैं बाद में आप लोगों को प्लेन एरिया के गांव के बारे में भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। हिली एरिया में घर नज़दीक नज़दीक नहीं होता है, थोड़ा दूर दूर में होता है, एक टीले में एक घर, दूसरी टीले में और एक घर। जंगल के बांस, लकड़ियाँ और जूम की खेती करके थोड़ा बहुत पैसा कमा कर ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ के विलेजर्स।
ये एक सब्जी का पेड़ है, इसका नाम हम लोग लोकल लैंग्वेज में, मतलब चाकमा कम्युनिटी के लैंग्वेज में इसको टीडे बेगुल कहते हैं। इसका स्वाद कड़वा होता है, इसका अंदर में छोटे छोटे बीज होते हैं, उस बीज को निकालने के बाद इसकी छाल को खाया जाता है। एकदम ऑर्गेनिक है ये। और ये जो पत्ता है इसका स्वाद खट्टा है, खट्टा होता है इस पत्ते का स्वाद, इसको भी खाया जाता है। बाज़ार में तो मिल जाता है, ये भी मिलता है और ये पत्तियाँ भी मिलता है बाज़ार में। और ये पेड़ है, इस पेड़ में फल निकलते हैं लंबा लंबा करके फल, इसको भी खाया जाता है, ये भी बाज़ार में मिलता है। फिलहाल इस पेड़ में कोई फल नहीं है। ये छोटे छोटे बैम्बू, और ये तो आप लोगों को मालूम ही है, दिखने पर ही आप लोगों को पता चल गया होगा ये क्या है। लोकल लैंग्वेज में इसको हम लोग होइदे कहते हैं, होइदे, HOIDE, होइदे। और अब ये देखिए, यह है कुकुम्बर, कुकुम्बर का लत, छोटे छोटे कुकुम्बर पकड़े हैं बहुत सारे। ये देखिए इसमें भी एक है कुकुम्बर, यह है धीरे धीरे और भी पकड़ेंगे। इसका जो रूफ है ये छन से बनाया गया है, इसको छन कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, बंगाली में इसको छन कहते हैं और हम लोग की भाषा में भी इसको छन कहते हैं। इंग्लिश में शायद इसको थैच कहते हैं, थैच। और यह है कद्दू, ये देखिए हमें दो कद्दू दिखाई दे रहा है और इस तरफ और दो है, बहुत ही सुंदर है यह कद्दू की लत। और यह है बैंगन का ट्री, बैंगन तो दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ, इसमें एक बैंगन दिखाई दे रहा है मुझे, इसमें ये बैंगन पकड़ा है, पूरी ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया गया है, पूरा प्योर है एकदम। और यह है धनिया पत्ता, एक तरह का धनिया पत्ता है ये, आप लोगों को दिखा दूँ, ये इंडिया में हर कोई खाता है, ये देखिए। और अरहर की पेड़ भी दिखाई दे रहा है मुझे, अरहर की दाल जो बनता है, फिलहाल तो इसमें अरहर नहीं है, लेकिन यह है इसका पेड़, अरहर का पेड़, इसमें एक वहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे घर के पीछे इन लोगों ने छोटा एक जूम किया हुआ है जिसमें धान लगाया गया है, आप लोग देखिए
ये है धान, इसको मिनी जूम कह सकते हैं, माइक्रो जूम। और इसमें धान के पेड़ों के बीच में ये ओकरा का पेड़, ओकरा यानी भिंडी, भिंडी का पेड़ है ये। और ये है क्या कहते हैं इसको, मेलन, मेलन का पेड़ लत। और ये ओकरा का पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया है, चारों तरफ बैम्बू ही बैम्बू है। ये देखिए और एक पेड़ है, ये है झींगा, इसको कहते हैं झींगा, बहुत लंबा हो गया है ये झींगा, बहुत सुंदर भी है। और वहाँ पे जो एक छोटा सा घर आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पर मुर्गियाँ रखा जाता है, इस घर के मालिक ने मुर्गी पाल रहा है शायद, इसलिए मुर्गी का घर है ये, मुर्गी का घर बना दिया है उन्होंने, सब बैम्बू से ही बना हुआ है, बैम्बू से बनाया गया मुर्गी का घर। और यहाँ में मेरे दोस्त लोग बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ तक ही, बाद में फिर एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए मेरा ये वीडियो। बाय बाय।